इन इंडिया वी ऑफन टॉक अबाउट रेप्स बिकॉज रेप केसेस हैव बिकम एन एवरी डे अफेयर इन आवर सोसाइटी आप सड़क पर हैं या किसी बाजार में आप स्कूल में हैं या किसी पार्क में आपको हमेशा खुद को महफूज रखने की जद्दोजहद करनी पड़ती है फिर औरत सेफ कहाँ है घर में आई एम श्योर आपने यही सोचा होगा बट लेट मी बस दिस मिथ डेट एवरी वन इन आवर सोसाइटी इज़ नॉट प्रिवलेज टू हैव अ सेफ स्पेस एट होम इट्स वेरी नॉर्मल कि हम हमेशा अपने घर पे सेफ़ फील करते हैं अपने पेरेंट्स के आसपास है ना? मगर ये खुशियाँ और ये महफूज ठिकाना हर किसी के नसीब में नहीं होता मैं बात कर रही हूँ उन लड़कियों की जो अब हमारे बीच नहीं रही और कुछ ऐसी लड़कियाँ जिनके लिए उनका घर किसी जेल के अजाब से कम नहीं The latest data released by the National Crime Records Bureau reflects the growing concern of children with over 1.49 lakh cases of crime against children registered during 2021. This reflects a sharp increase of 16.2 over 2020, that is, 1.28 lakh cases. Crimes against children have increased by 16.2. Child sexual abuse cases have gone up. महाराष्ट्र रजिस्टर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन विद मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश इन द सेकंड एंड थर्ड प्लेसेस। आई एम नॉट लिमिटिंग इट टू चाइल्ड सेक्शुअल इट इज डिसहार्टनिंग टू सी दैट इंडिया में कई ऐसे केसेस सामने आए जिसमें एक बाप ने अपनी बेटी का रेप किया और भाई ने अपनी बहन का रेप किया सिर्फ इतना ही नहीं मोहब्बत और शफकत का मुजस्मा कहलाने वाला दादा उसने भी अपनी पोती का रेप किया हरियाणा में एक बेटे ने अपनी मां का रेप किया एन 2021 डेटा के मुताबिक इंडिया लॉज एन एवरेज ऑफ 86 सिक्स डेली 49 नाइन अगेंस्ट वीमेन पर आर नॉट जस्ट दिस कुछ साल पहले हैदराबाद में एक चौदह साल की बच्ची का रेप उसके फादर ने किया बिहार के कैमूर में कुछ साल पहले एक बाप ने अपनी बेटी को ड्रग्स दिए और फिर उसका रेप किया अलवर में नौ साल की बच्ची जो क्लास फोर की स्टूडेंट थी उसका रेप उसके फादर ने किया गोकुल नगर में एक भाई ने कई बार अपनी बहन का रेप किया गुजरात में पंद्रह साल की बच्ची के पेरेंट्स की डेथ के बाद उसके भाई ने रिपीटेडली उसका रेप किया इसी तरह यूपी में एक ग्रैंडफादर ने अपनी ग्रैंड का रेप किया और उसे ये बात किसी से ना कहने के लिए दस रुपये दिए छत्तीसगढ़ में भी एक 16 साल की बच्ची का रेप उसके ग्रैंडफादर ने किया लोनी में एक ग्रैंडफादर ने अपनी डेढ़ साल की पोती का रेप किया कर्नाटका में एक बेटे ने माँ का रेप किया हरियाणा में भी सेम वाक्य पेश आया जहां एक बेटे ने अपनी मां का रेप किया रेप It's the fourth most common crime against women in India. According to the 2021 annual report of the National Crime Records Bureau, 31,677 rape cases were registered across the country on an average of 86 cases daily. Arise from 2020 with 28,046 cases, while in 2019, 32,033 cases were registered. I don't have a conclusion to this video I don't have anything more to say imagine the horror that feeling jab aap dekh your father or brother ya phir apna beta or the grandfather who is supposed to protect you turning into ghosts and eating your skin up the horror that girls go through is something beyond my imagination i am leaving it open ended here